किसानों के बीच सहमति न बनने के कारण किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। फतेहगढ़ साहिब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहां पुलिस ने कटीले तारों के अलावा बैरिकेटेड, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक, कंटेनर और दूसरे अवरोधक भी लगाए हैं। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाने के अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी भी की जा रही है। पुलिस ने कई बार मार्क ड्रिल भी किया है। दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 भी लगी हुई है। इन बॉर्डर से आने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। सोमवार को सरकार और किसानों के बीच देर रात तक चली बातचीत बेनतीजा रही। किसानों का प्लान है कि वे दिल्ली के पास बॉर्डर पर जमा होंगे और दोपहर 3 बजे आगे की रणनीति के बारे में फैसला करेंगे। सरकार का कहना है कि बातचीत जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ किसान भी आगे बातचीत को लेकर तैयार हैं। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार ने MSP का वादा किया था, उसके 2 साल निकल गए, बहुत कुछ कर सकते थे। किसानों ने कहा कि हम अनाज उगाते हैं और सरकार ने हमारे लिए किलो की फसल उगाई है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आम लोगों को पुलिस की बैरिकेटिंग की वजह से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने परिवार के साथ काफी दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है। गुरुग्राम से गाजीपुर तक पुलिस की बैरिकेटिंग की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब